जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आप सभी को याद होगा कि जो ORP-1 का आंदोलन चल रहा था और उसके बाद जब ORP-1 की सरकार द्वारा घोषणा की गई थी तो उसमें एक बात कही गई थी कि VRS यानी प्री मेच्योर रिटायरीज को ORP का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद पूर्व सैनिकों के संगठनों ने आंदोलन को ख़त्म करने का निर्णय नहीं लिया और अपने अनशन आंदोलन को जारी रखा। इसके बाद फरीदाबाद में हमारे देश के PM नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली में कहा था कि वन रैंक वन पेंशन में VRS के नाम पर सैनिकों को भ्रमित किया जा रहा है। किसी भी ग्राउंड पर VRS यानी प्री मेच्योर रिटायरमेंट आए हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हो, चाहे वो 15 साल सर्विस करके पेंशनेबल सर्विस करके आए हो, या फिर इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट हुए हो, या किसी भी ग्राउंड पर कोई भी सैनिक जो पेंशन प्राप्त कर रहा है, उन सभी को ORP का लाभ मिलेगा। साथियों, यदि प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तो हम उसको पत्थर की लकीर मानते हैं। PM का बोला हुआ और लिखा हुआ समान होता है, और यदि PM की बात के ऊपर ही हमारा भरोसा उठ जाएगा तो हम आगे क्या उम्मीद करेंगे कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलेंगे वो करेंगे या नहीं करेंगे। और ऐसा ही भ्रम और एक बड़ा धोखा हुआ है हमारे देश के पूर्व सैनिकों के साथ में। उन्होंने ORP में जो लंबी लड़ाई लड़ी उसके बाद उनको सफलता तो मिली, लेकिन वहीं पे जो प्री मेच्योर रिटायरीज बैठे थे उनके साथ में बड़ा धोखा हुआ है। उनको आश्वासन तो मिल गया कि आप अनशन ख़त्म कर सकते हो, VRS यानी PMR वालों को भी ORP मिलेगा, लेकिन एक ही झटके में ORP-2 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 20 जनवरी 2023 को, उसमें 1 जुलाई 2014 के बाद में जितने भी PMR रिटायरीज आए हैं उनको ORP नहीं मिलेगा, ऐसा आदेश डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के बिहाफ में भारत सरकार ने सभी पूर्व सैनिकों को सुना दिया है। अब साथियों, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस यानी प्री मेच्योर रिटायरी जाए तो कहाँ जाए। अब एक फिर से बड़े आंदोलन की शुरुआत आने वाले दिनों में हो सकती है। ऐसी पूर्व सैनिकों की जो है एक योजना बनाई जा रही है, तो क्या फिर से प्री मेच्योर रिटायरमेंट वालों का मुद्दा उठेगा या ORP-2 के ऊपर असहमति बनेगी? जो भी मुद्दे और आगे क्रियान्वयन ORP के ऊपर होने वाला है वो आने वाले समय में हमारे को देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा फरीदाबाद में एक रैली में कही गई बात को आपको सुनना बहुत ही जरूरी है। आप इस वीडियो को सुने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुने, उनके द्वारा किए गए वादे को सुने और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पद पर होते हैं, कंधे पर बंदी उठा करके जो दुश्मनों से मुकाबला करते हैं, सबसे पहले जान की बाजी वो लगा देते हैं। लेकिन सेना की आयु कम हो इसलिए उनको 15 साल के बाद नौकरी छोड़नी पड़ती है, 17 साल के बाद छोड़नी पड़ती है, 20 साल के बाद छोड़नी पड़ती है। इसके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग सेना वाले करते होंगे। कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ORP नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ORP सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये VRS के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये सरकार जिन लोगों ने युद्ध में सेना में काम करते करते अपना शरीर गवाया है, कोई अंग गवाया है, ऐसे भी सेना के जवान जिनको मजबूरन सेना छोड़नी पड़ती है, शरीर की देश के लिए शरीर का एक एक अंग बलि चढ़ा दिया है, उसको सेना छोड़नी पड़ती है, क्या वो ORP से वंचित हो जाएंगे? सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री
ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सबको वो आरोपी मिलेगा। और इसलिए 80-90% ये जो 8,000-10,000 करोड़ का खर्च है ना, उसका सबसे ज्यादा धन ये 15-17 साल की उम्र में जो सेना छोड़ के घर आते हैं उन जवानों में जाने वाला है। और इसलिए ये भ्रम फैलाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार बहुत स्पष्ट है,